सब चढ़ेगा यहाँ पे तेल। ये देखो तेल की सारी तैयारियां हो गई और बाहर हो रही है बारिश। तो ये बन गए हैं सता और इन सता को हम लेंगे तेल चढ़ने में। और ये सता पे क्या रखना है, ये मंगलसूत्र चाची ने जो दिया है अपने गले से निकाल के वो दुल्हन को पहनाना है। इतनी तेज बारिश होने लग गई यहाँ देखो, एंड दौड़ लगा के चलते हैं हम। 1 2 3 पानी की धार भी आने लग गई, इतना तेज बारिश हो रहा है। तो मंगलसूत्र आ गया तुम्हें ये हो रहा है चावल उसेरना। सो चाचा एंड ये चावल उसेर रहे हैं। गाना वाला तो कुछ है ही नहीं, गाना गा दो। हाँ, और भी फटको फटको चावल को ऐसे। हाँ, इस रसम को बोला जाता है चावल उसेरना। हाँ। मेरे को इस रसम का मतलब नहीं पता है, बट घर के जितने भी लोग थे ना, सब लोगों ने इस रसम को मिलके किया। और मैं MP साइड से हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, भाभियाँ इस रसम को करती हैं, बट यहाँ पे मैंने आके ये देखा कि घर के सारे मेम्बर इस रसम को कर रहे हैं। सो पहले चाचा जी और इन्होंने किया, फिर उसके बाद दोनों भाइयों ने मिलके किया, फिर उसके बाद मैंने चाची जी के साथ मिलके ये रसम की, फिर उसके बाद अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं इस रसम को। सो रस्म कुछ भी हो बट मज़ा बहुत आता है। सो उसके बाद चावल उसेरने के बाद अभी यहाँ पे दुल्हन की आँखें बंद करवा के और ये कोहनी दिलाई जाती हैं जितने भी लोग रहते हैं सबको। इन सब के बाद फिर यहाँ पे तेल चढ़ाने की रस्म स्टार्ट होगी। और यहाँ पे सबसे पहले दुल्हन की बड़ी बहन ने तेल चढ़ाया और उसके बाद फिर बाकी लोग सब लोग तेल चढ़ाएंगे। प्रियंका भाभी तेल बुआ जी ने यहाँ पे फिर सबको बुलावा दिया। और उसके बाद यहाँ पे तेल चढ़ने के बाद ये सता वापस ले लिए जाते हैं और जो तेल लगाते हैं बॉडी पे, फिर उस तेल को अच्छे से रब करते हैं। भाई फुगा जल्दी आए, बड़े चाल से बनाए हैं यही देखिए। देखो हमारे घर में मठा भब रहा है सुबह सुबह, सारे लोग मठा भाने के लिए लगे हुए हैं। देखो छोड़ दो मैं करूंगा। बुआ सिखा रही है कैसे मठा भाते हैं। देखो देखो कितने प्यार से भा रही है बुआ। देखो बुआ का बाहर भी नहीं निकल रहा है। और हाँ धुआं निकलने लग जाता है। हमारी दुल्हनिया फिर मठा भाने लग गई हैं। दिव्यांशी पी रही है सुबह सुबह चाय और हमारे देवर जी पी रहे हैं चाय। दिव्यांशी क्या पी रहे हो, चाय पी रहे हो पानी या दूध? चाय पी रहे हैं दिव्यांशी। देखो स्वाद ले लेके अच्छी लगती है चाय, मीठी मीठी लगती है। अरे यार यहाँ तो ना ठंडी हो रही है, बारिश हो रही है, इसलिए सॉल वॉल ओढ़ रखा है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। हमारे घर में ना सुबह सुबह देखो बहुत सारे काम चल रहे हैं और हल्की सी ठंडी हो रही है क्योंकि कल रात में ना बारिश हो रही है, इसलिए मैंने शॉल ओढ़ रखा है क्योंकि मेरे को ना सर्दी हो रखी है। और हमारे घर में देखो सुबह सुबह काम स्टार्ट हो गए हैं, बुआ जी और सब काम पे लगी हुई है, चाची यहाँ मठा भाने लगी थी तो सारे लोग यहीं खड़े हुए थे। एंड ये देखो हमारी दुल्हनिया मठा भा रही है, दुल्हनिया देखो मठा भाने लगी। सो गाइस चलिए लग जाते हैं काम पे, बहुत सारे काम है। एंड आज हमारे घर में बहुत सारे फंक्शन होंगे एंड आज मंडप डलेगा और हल्दी भी चढ़ेगी दुल्हन को। अभी मैं फिलहाल इस रूम को साफ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग सो रहे थे ना, सो बेड इस रूम को साफ कर लेती हूँ। सारा बेड बेड ऐसे पड़ा हुआ था, इसको साफ किया है, इसको गद्दे को मैं बाहर रख देती हूँ। Thank you.
इस रूम को मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। रूम थोड़ा छोटा है ना, तो सामान बहुत ज्यादा एकदम कंजेस्टेड टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह पड़ा हुआ था, इसको सब रख देती हूँ मैं सेट करके। मम्मा बिस्किट, मम्मा वो नहीं गिर गया। खा लो बिस्किट। ये हमारी बड़ी बुआ है, है? मैं लगा दूंगी अभी, बट मेरे पास छोटा है, बड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, सब चलता है बुआ। ये हमारी बड़ी बुआ जी हैं और ये अभी पूजा का सामान रेडी कर रही हैं मंडप के लिए, जो जंगल में पूजा की जाती है ना, है ना बुआ? जंगल में जब वहाँ पे पूजा करेंगे मंडप का, जो सामान काटने से पहले, उससे पहले पूजा करनी पड़ेगी, इसलिए बुआ यहाँ पे पूजा का सामान रेडी कर रही हैं। और ये हमारा बच्चा जो धूप में बैठा हुआ है, ये लो अब ठीक है, आप बैठे रहो। यहाँ पे चल रही है मामा भांजे की नीचे मस्ती, तो करो, नीचे, और तो प्यार आज ही के दिन ना फलदान जा रहा है, तो आज मंडप है हमारे यहाँ और लड़के वालों के यहाँ आज के दिन खाना है। सो घर के जो भी जेंट्स थे एंड रिलेटिव्स थे वो सारे लोग आ गए थे और फलदान लेके आज जा रहे थे लड़के वालों के यहाँ, और बच्चे भी यहाँ पे जिद कर रहे थे साथ में जाने की, बट किसी को नहीं जाने दिया। हमारे घर में लोग जगह जगह रोने के लिए लगे हैं क्योंकि बच्चों को जाना है साथ में फलदान देने के लिए। ये देखो रॉबिन को, रॉबिन चुप करा रहा है। शादी वाला घर है ना, तो काम का पता ही नहीं चलता है, कितने सारे काम निकलते हैं। और यहाँ पे अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं आटा छाने के लिए, क्योंकि जो पंगत का खाना बनेगा उसके लिए आटा नहीं छाना था। सो यहाँ पे सब लोग बैठ के आटा छान रहे थे एंड पापा की मौसी जी भी आ गई थी, जो सामने में बैठी हुई रेड साड़ी में, यहीं बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे एंड आटा छान रहे थे। इसे देखो, यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो गई है कल के लिए, और ये थोड़ा सा टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे चेयर्स आ गई हैं, और ये देखो इस तरीके से, और थोड़ा सा इस साइड में लगा हुआ है। बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं खेलने के लिए, गद्दों के साथ मस्ती कर रहे हैं, दादा को परेशान कर रहे हैं। दादा उन्हें डांस करना है, बजा दो, नाचना है ना, देखो दादा बजाएंगे, अब नाचना ठीक है सब, चलो इधर नाचो। बजाओ बजाओ, बस 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 बस, गुस्सा आ गई है वो, नाराज हो गया वो। अभी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं मंडप डालने की, और जब मंडप डल जाएगा ना, फिर इसके नीचे ही ना हल्दी चढ़ाते हैं दुल्हन को। और ये देखिए रात हो गई है और बच्चे भी खूब मस्ती करने के लिए लगे हुए हैं, और आंगन देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, मंडप डल गया हरे हरे पत्तों से, और मंडप के ऊपर ना जामुन के पत्ते डाले जाते हैं, वो सारे डाल दिए हैं। और ये देखिए फलदान दे के ये लोग भी आ गए हैं। क्या ये? हल्दी पे हल्दी, कहाँ है हल्दी? इसके बाद हल्दी लगेगी, इसमें हल्दी बाहर गिरेगी, कहाँ नीचे गिरेगी, उतनी ही डाली वो बस में रह जाएगी, थाली में गला लेंगे। अरे यार तो हो नहीं रहा काम टाइम पे, वो ये गड्डी भी रहा उससे करते हैं। मंडप डलने के बाद हमारे यहाँ होती है हल्दी की रस्म, और मंडप जब डल जाता है उसके बाद फिर चकिया मंडप के नीचे रख के उसमें हल्दी को पीसा जाता है एंड फिर वो हल्दी दुल्हन को लगाई जाती है। सो यहाँ पे ये देखिए दुल्हन को हरे हरे मंडप के नीचे पीली पीली हल्दी चढ़ा दी है, और रात काफ़ी हो गई थी तो हल्की हल्की सी हल्दी लगा दी, एंड मॉर्निंग में हम फिर से हल्दी लगाएंगे दुल्हन के लिए, और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा था। सो गाइस ये हमारा हल्दी एंड मंडप का नेक हो गया है। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है बारात वाला दिन, तो काम भी बहुत सारे हैं, और फिर से हम सुबह उसी काम में लग गए हैं जहाँ पे हमने रात में एंड किया था। फिर से हम तेल चढ़ाएंगे और हल्दी लगाएंगे, क्योंकि बारात वाले दिन भी हमारे यहाँ हल्दी चढ़ती है। और ये देखिए सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, एंड आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।